उत्तरकाशी की सिलकियारा टनल से मंगलवार यानी कि 28 नवंबर को रेस्क्यू किए गए 41 मजदूर चिल्याली सौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किए गए हैं। डॉक्टर इन श्रमिकों के स्वास्थ्य की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। इसके साथ ही मनोवैज्ञानिक भी चिल्याली सौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 17 दिन से टनल में फंसी इन मजदूरों की मेंटल हेल्थ को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिल्याली सौड़ में लगातार परिजनों का आना जाना भी शुरू हो गया है। वहीं कुछ घंटों बाद मजदूरों को देहरादून ऋषिकेश हेली के माध्यम से लिफ्ट किया जाएगा और देहरादून भेजा जाएगा। इसके बाद जिन राज्यों के जो भी मजदूर हैं उन्हें वहां पर सौंप दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वास्थ्य केंद्र पहुंच चुके हैं और अब मजदूरों से मुलाकात करेंगे। उत्तरकाशी से विनीत कंसबाल की रिपोर्ट। इतना दिन बाद निकला तो थोड़ा सा ये तो रहेगा ना, खुशी का माहौल था जगह पे। बाहर निकलने के बाद हम लोग पूछे किस तरह का कोई परेशानी तो उन्होंने नहीं, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। शासन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं रखी? शासन के लिए हम लोग कल रात को वहाँ से हम लोग को यहाँ लाया गया, हम लोग को ट्रीटमेंट में ले लिया गया और हम लोग के लिए वहाँ होटल बुक किया गया था, वहाँ भेज दिया गया। तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को निकलने वाले हैं, हम लोग का परिजन है। ये आपके घर से कॉल कुल आई है उनके लिए? आपने सब कुछ आ गया है? क्या क्या कुछ कहना है यहाँ पे प्रशासन की तरफ से? हाँ तो हम लोग को क्या जल्दी जल्दी भेज दिया जाए। नाम रवि मुंडा है, बहुत खुशी हो रही है जब हम लोग बाहर निकल रहे हैं और घर तरफ से फोन आया था कि अच्छा हो रहा है, निकल रहे हैं। अच्छा, और हम कैसे डे ड्यूटी थी मेरा तो ले जाने का व्यवस्था, निकलने के बाद यहाँ से एम्बुलेंस के द्वारा ले जाएगा, फिर ट्रेन या बस या एरोप्लेन उसी के द्वारा पहुँचाया जाएगा अपने घर।